नमस्कार, हम लोग ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं और कल हमने पहले अध्याय के पहले 84 ओवी देखी। अभी मूल गीता शुरू हो रही है। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इसके ऊपर आप बहुत सारे व्याख्यान देखोगे, बहुत सारे ऋषि मुनियों को देखेंगे, साधु संतों को देखेंगे। तो धर्मक्षेत्र यानी धर्मक्षेत्र क्या है, तो ये पूरी दुनिया, अपना अपना देह, अपना मन, ये सारा भी बुद्धि आत्मा हर चीज़ धर्म का क्षेत्र है। समाज, समाज बांधव, हर देश, हर व्यक्ति, हर शक्ति। कुरुक्षेत्र यानी कर्म का क्षेत्र कौन सा है, हर जगह कर्म ही तो हो रहा है। युज उत्सव यानी वो जानने की इच्छा, ठीक है। हर शब्द का अर्थ देखेंगे, पूरा वाक्य का फिर अर्थ देखेंगे। युज उत्सव जानने की इच्छा। माम कहा पांडवाश्चर्य किम कुर्वत संजय, यानी कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं ये मुझे संजय बताइए, ऐसा धृतराष्ट्र पूछ रहे। किसको? संजय को पूछ रहे। संजय जो थे वो व्यास जी ने उनको रखा हुआ था कि वहाँ की जो भी युद्ध के मैदान पे हो रहा है वो धृतराष्ट्र जी को बताइए। तो अभी इसके पीछे की टेक्नोलॉजी, सारा ज्ञान वगैरह उसमें हमें पढ़ने का नहीं, लेकिन क्योंकि फिर वो शुरू हो जाता है कि हमारे यहाँ पहले ये थे, पहले वो था वगैरह। ये तो चलते ही रहता है कि हजारों सालों से यानी हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँचती, फिर से डाउनफॉल आता है, फिर से ऐसे चक्र चलते रहता है। यानी इनका कहने का मतलब है कि टाइम ऐसे पूरा सीधा नहीं चलता, ऐसे साइकिल में चलता है कि पहले कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग, तो फिर से ऊपर जाने का, फिर से आने का, ऐसे साइकिल में चलते रहता है, ठीक है। तो जीवन में हर व्यक्ति का जन्म और जो जीवन यापन है वो धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में आता है। इसका मतलब हर कोई जाके हर किसी से लड़ेगा ऐसा नहीं होता। अपने अंदर ही देखिए, किसी का कहना है कि अपने अंदर ही 100 करोड़ कौरव रहते हैं और 5 पांडव रहते हैं, और उनका नियंता जो जीवात्मा रहता है वो परम पुरुष रहता है, वो श्री कृष्ण रहता है। ऐसे बहुत सारे व्याख्यान हैं, बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है। हम लोग ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या कहा है वो देखते हैं। तरी पुत्रस नहीं मोहितु, अरे हाँ, इसका मतलब देखने का है कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में समवेता युत्सा सारे एक साथ में आए हैं, धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं। तो मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं ये संजय मुझे बताइए, ऐसे शब्दशः अर्थ निकल रहा है और भावार्थ मैंने आपको बताया, ठीक है। भावार्थ है उसमें का जो असली अर्थ है, जो व्यास जी, सारे ऋषि मुनि और ज्ञानेश्वर महाराज कहना चाहते हैं, वो उसका मतलब ये है, ठीक है, वो भी बताया। तेरी पुत्र स्नेह मोहित, कि पुत्र स्नेह से मोहित हो गया है, कि उसको भला क्या है, बुरा क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे धृतराष्ट्र से पूछतु मणे संजय सांगे मातु, ऐसे धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, संजय को पूछ रहे हैं। कुरुक्षेत्री जी, कुरुक्षेत्री जी, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, ठीक है। जे धर्मालय मणिजे, धर्म का आलय यानी धर्म का घर है, तिथ पांडव आणि मासे गेले अस्ति व्याजे झुंजाचे, वहाँ पे पांडव गए 5 पांडव और 100 कौरव गए झुंज यानी युद्ध के क्षेत्र में, वो क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। अरे उसकी देखने की इच्छा है कि सारे कौरव जीते, और विशेषतः भीम से दुर्योधन की ना जमने वाली जो बात थी उसके कारण धृतराष्ट्र विशेषतः उसके ऊपर बहुत गुस्सा थे, तो वो उनका क्या हुआ वो जानना चाहते थे आगे आने वाला है। तरी तिही ये तुला अवसरी काय कीजे तसे येरा ये रही येरी ते झड़करी कथन करी मज प्रति, कि या इस अवसर पे यानी इस समय में लोग क्या कर रहे, येरा येरी यानी
जो व्यूह रचना जो की है उसमें क्या कर रहे हैं वो मुझे बताइए, और फास्ट जल्दी से जल्दी मुझे बताइए, लव कर रहे झड़करी का मतलब मजे प्रति ने मेरे प्रति मुझे बताइए। तो इसमें का गहन अंश ऐसा है कि हर व्यक्ति हर रोज 100 कौरवों से और 5 पांडवों को हाथ में लेके हरदम लड़ते रहता है अपने अंदर में। यानी ऐसा है कि बुरी चीज़ों की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान जाता है, उसको 5 पांडवों के द्वारा हमें रोकना चाहिए और भगवान के प्रति जीवन समर्पित करके जीवन यापन करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पांडव कहीं भी रहे श्री कृष्ण वहाँ जाके उनको हरदम मदद करते थे। कभी द्रौपदी अपने बहन को वो अक्षय पात्र देके, जिससे वो जब तक खाना नहीं खाती तब तो वो खाना खाएंगे, यानी कितने भी लोगों को खाना दे सकेंगे, ऐसे मदद की। अर्जुन को उन्होंने, अर्जुन को तो पता है वो कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण वो हरदम कहते रहते थे, और रात को सोते समय अपने बाल श्री कृष्ण जी की मूर्ति को लगा के रखते थे, और उनके नींद में भी कृष्ण कृष्ण चलते रहता था, गुड़ाकेशी इसलिए उनका कहते थे। और 5 पांडवों का मतलब भी आप देखिए, यानी ये शुरू हुआ है बात निकली तो कहते हैं कि 5 पांडव कौन, कि युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का मतलब जिसकी बुद्धि हरदम स्थिर रहती है, भीम यानी भीम का प्रयास है, प्रयास से हम जीवन में हर चीज़ अपने अपने सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती, लेकिन युधिष्ठिर रखना भीम के प्रयत्न से, भीम प्रयास करके हमें स्थिर बुद्धि से जीवन यापन करना चाहिए, जो निश्चय किया है उसके ऊपर चलना चाहिए। अर्जुन जो भगवान के प्रति समर्पित है अभी मैंने बताया, गुड़ाकेश, नकुल और सहदेव, सहदेव यानी भगवान के साथ, नकुल यानी कि हरदम भगवान को समर्पित, ठीक है। और उनके कार्य भी आपको बताएंगे वो किस भी किस में जो एक्सपर्ट थे, और वो कैसे पुत्र थे वो भी बताया, धर्म का पुत्र युधिष्ठिर जो धर्म के प्रति समर्पित है, कभी झूठ नहीं बोलेगा। बाद में वो नरोहा कुंजवा बोला तो उसका जो रथ था जो ऊपर ऐसे चलता था वो बाद में जमीन से चिपक के चलने लगा, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। भीम का भी वैसे ही, उनको भी हनुमान जी के दर्शन हुए थे आपको पता है, जो ऐसी उनकी पूछ थी वो बोला कि मैं किसी जीव को ऐसे लांग के नहीं जा सकता, आपकी पूछ आप बाजू कीजिए फिर मैं रास्ता काटूंगा। हर किसी के अच्छे अच्छे स्वभाव थे, अच्छे अच्छे गुण थे, ठीक है। नकुल और सहदेव वो अश्विनी कुमार के पुत्र थे, वो किसी को भी यानी दुरुस्त कर सकते थे। आपको पता होगा कि नकुल और सहदेव ने जब कर्ण का कवच निकाल गया था तो उसकी माता जी जो थी, यानी असली माता नहीं, वो राधा जो थी, वो दौड़ के गई उसको दुरुस्त की, तो उसको उन्होंने एक लेप लगा के उनको ये किया था, अच्छा किया था। तो उनमें ये हर किसी में ये क्वालिटी थी, हमारे में भी 5 पांडव अच्छे गुण हैं, और 100 करोड़ हमें हरदम अपने मार्ग से भटकाना चाहते हैं, तो हमें उस मार्ग से आके फिर से जीवन का जो शूरस्य धारा निशिता दूरत्य है ऐसे हमें चलने का है, कि अच्छी बुरों का ख्याल रख के हमें अच्छे मार्ग पे, परमार्थ मार्ग पे चलने का है। हमें यानी वैसे तो पूरा ओपन ही है, पूरा कोई सीक्रेट रखने की जगह ही नहीं, भारत में हर व्यक्ति जो लख 84 फेरे करके आया है उसका अंतिम ध्येय आत्मज्ञान मुक्ति ही है, कैवल्य प्राप्ति ही है। तो बताने की जरूरत नहीं कि मेरा जिंदगी में एम क्या है, ध्येय क्या है, वो निश्चित ही है, ठीक है। हमें ये सारी चीजें समझ के, आंखें खोल के और अपनी आत्मा की आंखें खोल के वैसे हमें जीवन यापन करने का है, यानी वो बंद करके हमें जिंदगी जीने की नहीं है, बस इतना ही इसका मतलब है। और इन ये सारे प्रयास में अखंड हमें अवेयर रह के, अलर्ट रह के, उसको अखंड जागृति जो बोलते हैं, कि
हर समय हमें जागरूक रह के हमारा नामस्मरण या ध्यान भगवान के प्रति जो समर्पण है वो जागृत रखना है, उसी को हरदम सचेत दृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो धृतराष्ट्र अगर हमारी हमारे में जो जो शक्ति वो हमें देखना चाहती है, बताना चाहती है कि अभी क्या चल रहा है हमारे देह में आजूबाजू में, तो बता सकते हैं। लेकिन हमारी शक्ति सारी इसमें नहीं व्यर्थ करने की, हाँ चल रहा है ठीक है, लेकिन मुझे अपना नामस्मरण और अपना ध्येय अपना जीवन अपन सत्यापन करने का है, तो ये भी गहन अर्थ इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, और ऐसे हम लोग एक 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 श्लोक देखेंगे, 700 श्लोक हैं। ठीक है, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज आगे जाके कहने वाले हैं कि सातई शते ते श्लोक बरद परि देव बोले ले एक जे नाही दूजे। ये 700 के 700 श्लोक में, जैसे पहले श्लोक में बताया कि धर्म क्षेत्र में क्या चल रहा है, वैसा ही हम हरदम सचेत रह के हमारे जिंदगी में क्या चल रहा है, जो कंट्रोल में नहीं उसको तो भगवान के ऊपर समर्पित कर दीजिए, लेकिन जो भी हम लोग कर सकते वो पूरा प्रयास करके करेंगे और मुक्ति के आत्मज्ञान के परमार्थ मार्ग के ऊपर हम चलते रहेंगे। ठीक है, बाद में हम लोग संजीव वाच दृष्टवा तो पांडवानिकम विवड़म दुर्योधनस्तथा आचार उपसंगम में राजा वचनम अप्रवीण पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार महतीम शिव दृढ़ व्यूढ़ सर द्रुपद पुत्रेण शिष्येण तव शिष्येण धीमतः। ये हम लोग बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हर श्लोक में भगवान ने एक ही चीज कही कि भगवान ही सब तरह के उस तरह है, उसी को समर्पित रह के जीवन यापन करने का है। ठीक है, धन्यवाद। भगवान की कृपा से की हुई बात भगवान को ही समर्पित, भगवान ही बुलवा रहा है। धन्यवाद।